देखिए एक्सरसाइज 3 पॉइंट बोलिए। 3 छोड़ फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 3.3 जिसमें चौथा देखें पांचवा पांचवा किया था हम लोगों ने पांचवा पार्ट देखिए ना क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 में था प्रूव डेट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 ये भी नहीं हुआ ओमेगा स्क्वायर की पावर 18 वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 18 इज इक्वल टू 1 तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड याद है ना वो दो साइड है एक साइड लेके चलनी है क्या चीज टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड तो कोई बात नहीं अब सीख ले वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर कौन है 18। अच्छा देखिए जो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर है डेट इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा ये बात हम जानते हैं प्रॉपर्टी से ये किसके बराबर होता है बोलिए ये डेट इज़ इक्वल टू व्हाट माइनस ओमेगा इसकी जगह क्या आ जाएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह अगले स्टेप में माइनस ओमेगा आ जाएगा तो देखिए क्या होगा माइनस ओमेगा उसकी होल पावर 18 अच्छा देखिए 18 इवन पावर है या ऑड पावर है इवन पावर है तो इवन पावर के नीचे माइनस आ जाए तो वो रहता है या ख़त्म हो जाता है अरे नहीं भाई ये रूट थोड़ी है वो तो अंडर रूट के अंदर माइनस हो तो ख़त्म करके बाहर आयोटा लगाते हैं ना ये तो माइनस ओमेगा की पावर 18 लिखा हुआ है जिसका मतलब है कि माइनस साइन इवन पावर के नीचे है लिहाजा ये माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा अगले स्टेप में ओमेगा की पावर क्या हो जाएगी बोलिए 18 हो जाएगी अब 18 को क्यूब में तोड़ लीजिए तो क्या होगा बोलिए ओमेगा क्यूब की पावर 6 नहीं ये इवन पावर है ना इवन पावर माइनस को ख़त्म कर देगी तब मसला सही हो जाएगा अगर ये माइनस ख़त्म तो फिर ये माइनस बाहर आ जाता कहाँ था फिर तो ब्रैकेट से बाहर आ जाता फिर ओमेगा को अलग सॉल्व करते माइनस साथ साथ चलता अब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू व्हाट 1 सब जानते हैं कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है तो इसकी जगह क्या आएगा अगर इस्टेप में देखिए 1 और होल पावर क्या दी हुई है 6 अब किसी भी नंबर के ऊपर पावर 6 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है डेट इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज योर यस प्लीज वालेकुम सलाम और छठा पार्ट दिया था सिक्स देखिए 6 पार्ट था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 डेट इज इक्वल टू साबित करें डेट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साबित करें कि माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है सॉल्यूशन में क्या करेंगे बोलिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड देखिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है बोलिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 अब प्रॉपर्टी बताइए कौन सी लगेगी इसमें माइनस ओमेगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा आ जाएगा ये बात आप जानते हैं प्रॉपर्टी से तो देखिए क्या होगा यहाँ पे माइनस ओमेगा होल पावर क्या है 5 अब देखिए माइनस साइन और पावर के नीचे आ गए तो इसका मतलब क्या होगा कि माइनस साइन ख़त्म नहीं हो सकता इवन पावर के नीचे होता तो प्लस हो जाता है इसकी तरह 18 इवन पावर थी तो माइनस ख़त्म हो गया इसमें माइनस बाहर आ जाएगा कहाँ
ब्रैकेट से बाहर आएगा। और पावर फाइव किस पे आएगी ओमेगा पे। अच्छा, इसको समझने का तरीका और भी है। देखो कैसे माइनस ओमेगा की पावर फाइव का मतलब क्या है कि माइनस ओमेगा को आपस में फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई करो। माइनस ओमेगा एक, माइनस ओमेगा दो, माइनस ओमेगा तीन, माइनस ओमेगा चार, माइनस ओमेगा, यही मतलब होता है ना कि किसी बेस पे पावर आ जाए फाइव तो उसको पांच दफ़ा मल्टीप्लाई करो। तो माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस। देखा आपने आखिर में क्या है, ऑड की वजह। अगर इवन पावर होती तो क्या हो जाता, प्लस। अब ओमेगा को फिर पांच दफ़ा, तो ओमेगा एक दफ़ा लिख कर सारी पावरों को दोबारा जमा कर लो तो ओमेगा की पावर क्या हो जाएगी, फाइव हो जाएगी। वही चीज़ आ गई। अब ओमेगा की पावर फाइव को आपने ब्रेक करना है किस में, ओमेगा क्यूब में और ओमेगा स्क्वायर में। पता है ना ओमेगा क्यूब में क्यों ब्रेक करते हैं, क्योंकि डेट इज़ इक्वल टू वन। तो अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ओमेगा क्यूब की जगह वन आया इंटू ओमेगा स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, डेट इज़ योर राइट हैंड साइड। और कौन सा था, सातवां, सातवां तो कर लिया ना, बाट में कौन सा, सिक्स है, गलत नंबर डाल दिया क्या, हाँ सिक्स है, नहीं हाँ सेवन करेंगे, सेवन कीजिए। वन प्लस ओमेगा की पावर सेवन साबित करेंगे डेट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसके बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर। जी सॉल्व इट, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड अगेन, हमेशा की तरह ये लेफ्ट हैंड साइड चलाती है, दिस इज कॉल्ड क्या होगा बोलिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वन प्लस ओमेगा की होल पावर सेवन, छूटती प्रॉपर्टी लगानी है आपको, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बताइए, माइनस माइनस। मैथ में समझना भी होता है लिखना भी होता है, लिखो भी साथ साथ, लिखा नहीं अभी क्या हुआ। अच्छा वन प्लस ओमेगा की जगह क्या आएगा, माइनस ओमेगा से, ये प्रॉपर्टी का रेफरेंस देते हैं साइड में, देखिए क्या होगा, वन प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर सेवन। अब देखिए क्या होगा, फिर ये ओड पावर आ गई। अब ओड पावर कहीं चाहे माइनस साइन आ जाए तो बाहर आ जाती है, फिर उसके बाद क्या होगा बताइए, जब पावर सेवन ओमेगा स्क्वायर पे आ गई तो पावर पे पावर आ जाए, पावरें मल्टीप्लाई हो जाती है, तो टू सेवन था फोर्टीन हो जाएगा, नहीं इसको ब्रेक करें क्यों में, देखो इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, ओमेगा की पावर ट्वेल्व इंटू ओमेगा स्क्वायर, हमें कैसे पता चला इसमें ब्रेक करना है, क्योंकि प्रूफ में क्या चाहिए, ओमेगा स्क्वायर चाहिए, एक तो रीज़न ये, और दूसरा ये कि ओमेगा ट्वेल्व में तोड़ेंगे तो क्यूब के मल्टीपल में लिखा जा सकता है ऐसे, कैसे ओमेगा की पावर ट्वेल्व को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब की पावर बोलिए फोर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, वहाँ वन, ओमेगा क्यूब की जगह वन, तो देखें क्या होगा, माइनस वन और होल पावर फोर, और साथ में कौन है ओमेगा स्क्वायर, वन के ऊपर कुछ भी पावर हो डेट इज इक्वल टू व्हाट, वन इंटू ओमेगा स्क्वायर, और प्लस प्लस माइनस वन को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, और यही प्रूफ करना था वो, दिस इज़ योर राइट हैंड साइड या प्रूफ।
उसके बाद एट पार्ट देखेंगे। एट शॉर्ट एट सेवन प्लस ओमेगा क्या है? एट ही तो कर रहे हैं। सेवन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 43 लिखा हुआ है क्या यहाँ पर? बोले चेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड इट इज योर राइट हैंड साइड। और सॉल्यूशन में क्या लिखें? टेकिंग क्या होगा? देखें सेवन प्लस ओमेगा इनटू सेवन प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए सर। तो आप जानते हैं किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, पहले किसकी बारी है? सेवन की बारी है। सेवन सेवन से होगा, फिर सेवन ओमेगा स्क्वायर से, उसके बाद फिर प्लस ओमेगा की बारी है। तो सेवन को पहले सेवन से, उसके बाद सेवन को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेवन सेवन का क्या हो जाएगा बोलिए? 49 प्लस, फिर सेवन को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा? सेवन ओमेगा स्क्वायर। अब किसकी बारी है? प्लस ओमेगा की, तो प्लस ओमेगा से मल्टीप्लाई करें क्या हो? प्लस ओमेगा पहले सेवन से, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का सेवन ओमेगा हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस 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 होता है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पावर वन है तो ओमेगा की पावर क्यूब हो जाएगी। नहीं ऐसा, यानी आपने रकमों को मल्टीप्लाई कर लिया। बहुत ही आसान है, यहाँ पर एक स्टेप सिर्फ आपने सही यूज़ करना है प्रॉपर्टी के हवाले से। प्रॉपर्टी बनानी पड़ती है, बाद अवकात नहीं बनी हुई हो। एक प्रॉपर्टी हम यहाँ बना सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की। ओके सर, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है बोलिए? वन के बराबर होता है। और इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में सेवन कॉमन निकालने, क्या कॉमन निकालने? सेवन। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 49 प्लस सेवन आपने कॉमन निकाल लिया। अच्छा देखिए, यहाँ पर सेवन कॉमन गया तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा, प्लस फिर सेवन ओमेगा में से सेवन कॉमन गया तो क्या रह जाएगा? ओमेगा। इसको चेक करने का तरीका है, सेवन से मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा ही आ जाएगा प्लस, और उसके आगे देखें कौन है? ओमेगा क्यूब है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन। ये प्रॉपर्टी, जगह नहीं है, आप चाहें तो रेफरेंस दे दीजिए साइड में, उसके बाद फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा डेट इज इक्वल टू माइनस वन, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बोलो या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बोलें, बात एक ही। तो देखिए क्या हो जाएगा, 49 प्लस सेवन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह क्या आया? माइनस वन आया, और साथ में क्या मौजूद है? प्लस वन। सही। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 49 49 अपनी जगह था प्लस माइनस माइनस सेवन वन था सेवन, और साथ में क्या मौजूद है? प्लस वन। अब 49 में से सेवन माइनस करिए कितना आता है? 42 आता है। इसको माइनस कीजिए क्या आएगा बोलिए? 42। साथ में कौन है? प्लस वन। 42 में वन प्लस करेंगे तो इट बिकम्स व्हाट? 43। एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, दैट क्लियर? इस तरह से प्रूव होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 होगा।